बरसने वाले बादल काले क्यों दिखाई देते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि बादलों में पानी की असंख्य छोटी छोटी बूंदें होती हैं। कुछ बादलों में इन बूंदों की संख्या बहुत अधिक होती है तो दूसरों में बहुत कम। कुछ बादल सफेद रंग के दिखाई देते हैं तो कुछ भूरे रंग के। बरसने वाले बादल आमतौर पर काले रंग के होते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इन बादलों का रंग काला क्यों होता है? जब किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ वस्तु द्वारा अवशोषित यानी अब्सॉर्ब कर लिया जाता है। चमकीली वस्तुएं अक्सर अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं। अगर कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को तुरंत ही अवशोषित कर लेता है तो वह काले रंग का दिखाई देता है। वास्तव में काला रंग कोई रंग नहीं है। प्रकाश के सातों रंग जब किसी वस्तु द्वारा अवशोषित यानी अब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं तो उस वस्तु का रंग काला दिखाई देता है। जो बादल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट कर देते हैं वे सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन जो प्रकाश को अवशोषित यानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं वे काले दिखाई देते हैं। बरसने वाले बादलों में पानी की असंख्य बूंदें होती हैं जो सूर्य के प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित यानी अब्सॉर्ब कर लेती हैं, इसलिए बरसने वाले बादलों का रंग काला दिखाई देता है। आकाश में जब ऐसे बादलों की संख्या अधिक होती है तो दिन में भी अंधकार हो जाता है, क्योंकि ये बादल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित यानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं और उसे धरती तक आने नहीं देते। कभी कभी आकाश में चमकीले रंग के बादल सफेद पट्टियों के रूप में दिखाई देते हैं। ये बादल बर्फ के बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और इनकी ऊंचाई भी बहुत अधिक होती है। बर्फ के कण प्रकाश के लिए पारदर्शक होते हैं, इसलिए कांच की भांति इनमें प्रकाश आर पार निकल जाता है, इसलिए ये चमकीले दिखाई देते हैं। दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो कमेंट कर जरूर बताएं और भी नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।